मुझे तो पहले ही पता था कि इसकी गाड़ी खटारा है, बीच में तो रुकना ही था इसे। अरे तू अपनी गाड़ी ले आता ना। अरे बोला ना कि पापा ले गए थे, तो तू चुपचाप बैठना, ज्यादा क्या बोलता है पागल, देख लूंगा सबको। चारों दोस्त घर से मस्ती करने के लिए निकले हुए थे। वो सभी लोग किसी हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए जा रहे थे और वो जिस रास्ते पर अभी खड़े थे वो रास्ता उसी हॉन्टेड प्लेस की तरफ जाता था, लेकिन उनकी तो अभी गाड़ी खराब हो चुकी थी। उनकी गाड़ी जहाँ पर रुकी थी वो जगह काफी सुनसान थी और आसपास कोई भी घर या गांव भी नहीं दिख रहा था। अगर कुछ दिख रहा था तो वो थे सिर्फ हरे हरे और बड़े बड़े पेड़। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ, मुझे नदी की आवाज आ रही है, हो सकता है कि यहीं कहीं आसपास नदी हो। ठीक है दोस्त, तू जा, जल्दी आना। लेकिन नीरज अपने साथ एक टॉर्च भी लेकर गया था। वो उसी टॉर्च की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे तो नदी की आवाज आ रही थी, लेकिन न जाने वो नदी कहाँ गायब सी हो गई थी। वो उस नदी की खोज में और आगे बढ़ता गया। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसे पेड़ों की तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। और अब वो वापस जाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो बाईं ओर देखता है तो वहाँ पर उसे नदी दिख जाती है और वो उस नदी की तरफ बढ़ जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद भी वो अपना खाली पेट्रोल कंटेनर पानी से भरने लगता है। वो अपना कंटेनर पानी से भर ही रहा था कि अचानक से उसे अपनी दाईं ओर एक लड़की पानी भरते हुए दिखती है और वो इसको देखकर काफी डर जाता है। उस लड़की ने अपना पूरा चेहरा बालों से ढक रखा था और अपना मुंह नीचे किए हुए नदी से पानी पिए जा रही थी। नीरज को लगता है कि वो लड़की भी उसी के जैसे यहाँ पर फंस गई होगी जैसे वो लोग फंस गए हैं, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता है और उसे पानी पीने देता है। तो थोड़ी देर बाद उसका कंटेनर भर जाता है, लेकिन वो लड़की तो अभी भी लगातार पानी पिए जा रही थी। तभी नीरज को कुछ गड़बड़ लगता है और वो उस लड़की के पास जाकर उससे पूछता है, हेलो क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नीरज के इतना कहने के बाद वो लड़की नीरज को अपना असली चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर नीरज के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो डर के मारे जोर से चिल्ला बैठता है। वो देखता है कि उस लड़की का मुंह किसी ने सुई से सिल रखा है और उसके चेहरे में खून ही खून लगा हुआ है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको मारने से पहले बहुत टॉर्चर किया गया है। नीरज वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद भागते समय वो हड़बड़ी में नीचे गिर जाता है। वो उठकर वहाँ से भागने ही वाला होता है कि वो भूतिया लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, जाने दो मुझे। बचाओ बचाओ बचाओ, वो सबको मार देगा। वो लड़की भारी भारी आवाज में नीरज को उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन नीरज इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस लड़की को और कंटेनर को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है बल्कि एक भूत है। भागते भागते वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी दोस्त थे। वो देखता है कि अभी उसके दोस्त वहां पर नहीं है, आखिर वो लोग कहां गए। और जब वो अपनी गाड़ी के अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ पर विशाल की लाश पड़ी हुई है। वो देखता है कि विशाल के सीने में एक नुकीली और मोटी लकड़ी घुसी हुई है। ये देखकर नीरज उल्टी करने लगता है। पूरी गाड़ी में खून ही खून हो गया था और उसके बाकी के दोस्त भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से ना जाने कहाँ से रॉबी नीरज के पीछे आ जाता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। रॉबी भी उस समय अधमरी हालत में था और उसकी अब जान जाने ही वाली थी। तू भाग जा यहाँ से, भाग जा जल्दी। भाई लेकिन क्यों, मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे बताओ आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। नीरज देख, अभी सवाल जवाब करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा खूंखार आदमी आया और हम सबको मार दिया, उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा भी है,
और उसी हथौड़े से उसने हम सबको मारा था। बाकी के लोग कहाँ हैं? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाऊंगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे। बेचारा रॉबी नीरज को ये सब बताकर तुरंत ही अपना दम तोड़ देता है और नीरज जोर जोर से रोने लगता है। रॉबी उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसने उस दिन अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया था। तभी उसको किसी के चीखने की आवाज आती है। ये आवाज जरूर पुनीत की होगी, मुझे उसे बचाना होगा। नीरज पुनीत की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। पुनीत, पुनीत तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो? तभी अचानक से पुनीत नीरज के पीछे आ जाता है और एक लकड़ी के डंडे से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद नीरज को होश आ जाता है तो वो देखता है कि पुनीत उसके सामने खड़ा हुआ जोर जोर से हंस रहा है। उसने तो नीरज को रस्सियों से भी बांध दिया था। तूने किया ये सब? मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब उस खूंखार किलर ने किया है। वो यहाँ इन घने जंगलों में आजाद बेफिक्र घूम रहा है और अब वो तुझे भी मार देगा। तुम लोग हमेशा मुझे फट्टू बुलाया करते थे ना, तो अब देखो कौन है फट्टू। यहीं पर इंतजार कर उस किलर का, मैं चला। पुनीत तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यहाँ अकेले ऐसे छोड़कर मत जाओ, प्लीज पुनीत प्लीज। इतना कहकर पुनीत वहाँ से जाने लगता है कि अचानक से पीछे से वो किलर आ जाता है। वो पहले पुनीत के सर को पकड़ता है और ऐसे ही उसे उठाकर एक पेड़ की नुकीली शाखा को उसके शरीर के आर पार कर देता है। ये देखकर नीरज जोर जोर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद अचानक से वो किलर न जाने कहां गायब हो जाता है। बेचारा नीरज मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी वहां पर उसे कुछ गांव के लोग उसकी ओर आते हुए दिखते हैं। उस समय रात काफी अंधेरी थी इसलिए उन गांव वालों का चेहरा उसे नहीं दिखाई देता है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे बचाइए प्लीज। वो लोग नीरज के पास आते हैं, तब नीरज को उन सभी का असली चेहरा दिखाई पड़ता है जिसे देखकर नीरज और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं है, तो किसी का सर ही नहीं है। ये सब तो किसी की आत्माएं थी जो कि अब नीरज को भी मारने वाली थी। तभी वो किलर वहाँ फिर से आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। वे लोग उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं। सबसे पहले वो किलर नीरज के पास जाकर उसकी रस्सी खोल देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। तभी नीरज की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो बुरा सपना देख रहा था। दरअसल उस समय सुबह के 5 बजने ही वाले थे जब उस खूनी ने पुनीत को मारा था और जैसे ही 5 बजे उसने नीरज को छोड़ दिया। दरअसल ठीक 5 बजे उस हत्यारे का एनकाउंटर एक इंस्पेक्टर ने उसी जगह पर किया था और उसी दिन से उसकी आत्मा वहीं पर कैद हो गई। वो भूत या हत्यारा सुबह के 5 बजे के बाद किसी का भी खून नहीं करता था और इसलिए नीरज बच गया। वो आदमी खूंखार खूनी का भूत था जो अभी भी उस घने जंगल में लोगों का शिकार कर रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग उस जंगल में कभी नहीं जाना चाहेंगे, है ना?